गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पे होने वाला है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में सिक्स्थ T20 इंटरनेशनल मैच। ओके दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे इस सीरीज पे जो 5 मैच खेले गए हैं ना, उन 5 मैच में से 3 मैच को विन करते हुए पाकिस्तान इस सीरीज पे 3-2 से इंग्लैंड से आगे चल रही है। तो अगर यहां पर पाकिस्तान इस मैच को जीत जाती है तो समझो पाकिस्तान सीरीज को विन कर लेगी। तो इंग्लैंड यहां पर चाहेगी कि जैसे भी करके ना इस मैच को तो जीता जाए ताकि सीरीज को लेवल में लेकर आया जाए और फिर लास्ट जो 7th T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा वो यहां पर आप लोगों को फिनाले मैच देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां का वेन्यू कैसा बिहेव करने वाला है, दोनों टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, कौन से प्लेयर अभी के टाइम पे इनफॉर्म प्लेयर हैं, उनके स्टैट्स को देखेंगे, डिफरेंशियल पिक आप लोगों के लिए कौन सा प्लेयर यहां पर हो सकता है और मेगा ग्रैंड लीग के लिए आप लोग अपने लिए एक बेहतरीन टीम कैसे बना सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अगर दोस्तों बात करोगे मैच की तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान पे ये मैच होने वाला है। वेन्यू के स्टैट्स को अगर आप लोग समझोगे ना तो यहां पर टोटल 19 मैच हुए हैं, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया है उसने 7 मैच विन किया है, बैटिंग सेकंड ने पे भी यहां पर 7 मैच विन किया है, 5 मैच यहां पर कैंसल्ड हुए हैं। ओके, लास्ट के कुछ मैच अगर आप लोग देखोगे, ये मैच देखो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, पाकिस्तान की टीम यहां पर सिर्फ 145 रन बना पाई थी और इंग्लैंड की टीम यहां पर सिर्फ 139 रन ही बना पाई, ठीक है, 145 रन को भी चेज नहीं कर पाई। ओके, वहीं यहां पर देखोगे तो पाकिस्तान की टीम ने 162 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने इस रन को चेज कर लिया था, और यहां पर देखोगे ये 2021 में मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, इसपे साउथ अफ्रीका ने 164 रन बनाए थे और पाकिस्तान 169 रन बना पाई थी। तो ओवरऑल अगर आप लोग इस वेन्यू के रिकॉर्ड को मुझसे पूछोगे तो यहां पर आप लोगों को ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं दिखेगा, 160 to 180 इसी बीच में आप लोगों को रन बनते हुए दिखेंगे और अच्छे खासे विकेट्स भी इस वेन्यू पे गिरते हैं, मतलब 6 से 8 विकेट्स भी यहां पर आप लोगों को गिरते हुए दिखेंगे पर साइड का, ये आप लोगों के लिए वेन्यू का रिकॉर्ड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बैलेंस टीम बनाकर चलना है और ऑलराउंडर वाले सेक्शन को फोकस करके चलना है। ओके दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों को पता भी चल चुका होगा कि जसप्रीत बुमराह इंडियन स्क्वाड से आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप T20 पे। आप लोगों को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट किस प्लेयर के साथ होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने राय पक्का से दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देख लीजिए पाकिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 को। पाकिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 को देखोगे तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, शान मसूद फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं, फिर उसके बाद हैदर अली दिखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन से इफ्तिकार अहमद दिखेंगे, फिर आप लोगों को बैटिंग वाले सेक्शन से आसिफ अली दिखेंगे, फिर उसके बाद दिखते हैं मोहम्मद नवाज, शदाब खान और आमिर जालम। ये तीनों आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दिखते हैं और बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को मोहम्मद वसीम और हरीश रॉफ खेलते हुए दिखेंगे। वहीं इंग्लैंड टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 को देखोगे तो यहां पे फिलिप सॉल्ट और एलेक्स हिल्स आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, फर्स्ट राउंड पोजिशन पे आते हैं डेविड मलान, उसके बाद बैन डेकट, उसके बाद हैरी ब्रू, उसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन से दोस्तों आते हैं मोइन अली और सैम करन, उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्रिक वोक्स दिखेंगे, डेविड विली दिखेंगे, आदिल रशीद दिखेंगे और मार्क वुड दिखेंगे। ये दोनों टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। चलिए दोस्तों, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी के सभी लोग पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन करना है, देखो प्लेइंग 11 पे कुछ भी चेंजेस होते हैं, नए प्लेयर्स आते हैं तो उनके स्टार्ट्स, वो किस पोजीशन पे खेलेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया जाता है, इसीलिए आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, पक्का से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने फैंटेसी दंगल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो अब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है, पूरे अक्टूबर तक ये ऑफर चलेगा, इसीलिए ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफर क्या है उस चीज को समझो दोस्तों, देखो
यहां पर आप लोगों को 50% कमीशन बैक मिल सकता है। किसी भी ऐप पर आप लोगों को दिखता है कि जितना आप लोग कमीशन दोगे ना उसका 50% कैश बैक मिल जाएगा दोस्तों, 50% कमीशन कैश बैक मिलेगा। और ये कमीशन आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलेगा, मतलब आज जितने भी मैचेस आप लोगों ने खेले, जितना भी कमीशन आप लोगों ने दिया होगा, वो कमीशन आप लोगों को अगले दिन एज अ कैश आपके वॉलेट पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग वीकली टॉप स्कोरर रहे ना, मतलब अगर आप लोगों ने सबसे ज्यादा इवेंट्स खेले हैं, तो वीकली टॉप स्कोरर पे रैंक वन अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को 35,000 रुपए, रैंक टू पे रहते हो तो आप लोगों को 10,000 रुपए, और रैंक थ्री पे अगर आप लोग रहते हो तो 5,000 रुपए तक का कैश अवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब जो ये 50% कमीशन है ना, ये आप लोगों को 10%, 20%, 30, 40, 50 इस तरह से मिलेगा। कैसे मिलता है उस बात को समझो, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर आप लोग यहां पर 1,000 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, ध्यान से देखो, 1,000 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को एक रन मिलता है, क्लियर, एक एफडी रन मिलता है 1,000 के कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने पर, ठीक है। मिनिमम कितना है, 5 रन अगर आप लोग बनाते हो तो 5 रन बनाने के लिए आप लोगों को कितने का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा दिन भर पे, दिन भर पे आप लोगों ने अगर 5,000 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, मतलब 5,000 रुपए से आप लोगों ने खेला है ना, तो जितना भी आप लोगों ने कमीशन दिया होगा उस कमीशन का 10% कैश बैक आप लोगों को अगले दिन आपके वॉलेट पे क्रेडिट बैक हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आप लोग 100 रन और इससे ऊपर का खेलते हो, इसका मतलब अगर आप लोग 1,00,000 रुपए का कॉन्टेस्ट खेलते हो पूरे दिन भर में, तो आप लोगों को 100 एफडी रन मिलते हैं, और अगर 100 रन आप लोगों के बनते हैं तो आप लोगों को 40% कमीशन कैशबैक वापस मिल जाएगा अपने वॉलेट पे, 40% कमीशन, क्लियर। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि दोस्तों जो आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो ना, ये कॉन्टेस्ट बहुत सस्ते हो जाएंगे आप लोगों के लिए, मेरे हिसाब से पूरे इंडस्ट्री का सबसे सस्ते कॉन्टेस्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, क्लियर। अगले ही दिन तो पैसे कैशबैक आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने फैंटेसी दंगल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर आपका लिंक है, आपको जाके तुरंत लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन को। विकेट कीपर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की टीम पे आप लोगों को दिखते हैं मोहम्मद रिजवा। मोहम्मद रिजवा को देखो, लास्ट 5 मैच में सिर्फ ये एक मैच है जिसमें मोहम्मद रिजवा फ्लॉप हुए थे, वरना 68, 88, 88, 63 शानदार प्लेयर है दोस्तों। 67 मैच पे 53 का एवरेज है, वेन्यू पे 8 मैच पे बेस्ट स्कोर 104 का भी है। ध्यान रखना, जो ये एक सेंचुरी बनी है ना वो भी इसी वेन्यू पे बनाया है। मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, आप लोगों ने अपने टीम पर रखकर ही चलना है। स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का भी एक सुपर इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, क्योंकि आपका अपोनेंट इसे लेकर ही आएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन ही रखेगा। इंग्लैंड की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को फिलिप सॉल्ट देखते हैं, ओपनिंग करने आते हैं। यहां पर देखो तो 1 मैच पे 30 रन बनाए हैं, बाकी लास्ट 5 मैच पे 10 फ्लॉप 8 फ्लॉप 8 फ्लॉप 3 फ्लॉप, 9 मैच 15 का ही एवरेज है वेन्यू पे। 1 मैच पे इन्होंने कितने रन बनाए हैं, 3 ही रन बनाए हैं, लास्ट मैच इसी वेन्यू पे खेला गया था, क्लियर। तो विकेट कीपर वाले सेक्शन से मोहम्मद रिजवा आप लोगों के लिए मस्ट पिक प्लेयर बनते हैं स्टैट्स को देखते हुए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहते हैं। ओके दोस्तों, अब आ जाओ बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बैटिंग वाले सेक्शन पे पाकिस्तान के टीम पे आप लोगों को बाबर आजम दिखेंगे, आप लोगों को शान मसूद दिखेंगे, आप लोगों को हैदर अली दिखेंगे और दिखेंगे आसिफ अली। बाबर आजम के रिकॉर्ड को देखोगे तो यहां पर एक बार 110 रन की पारी खेली है, एक बार 36 रन की पारी खेली है, एक बार 31 रन की पारी खेली है, बाकी 2 मैच पे यहां पर फ्लॉप रहे हैं और यहां पर फ्लॉप रहे हैं। 85 मैच पे 43 के एवरेज से खेलते हैं, वेन्यू पे 14 मैच पे 446 रन है और बेस्ट स्कोर 86 का है। शान मसूद को अगर आप लोग देखोगे तो 1 मैच पे इन्होंने 65 रन की पारी खेली थी, जिस मैच पे आप लोगों के बाबर आजम भी फ्लॉप हो गए थे और मोहम्मद रिजवा भी फ्लॉप हो गए थे, दोनों ने 8-8 रन बनाए थे, उस मैच पे शान मसूद ने शानदार 65 रन की पारी खेली थी। बाकी 5 मैच ही खेले हैं इन्होंने, 46 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 46 का है, वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसपे कि इन्होंने 7 रन बनाए।
हैदर अली की मैं बात करूं तो ये अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, 5 मैच में से किसी भी मैच पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। आसिफ अली की बात करूं तो आसिफ अली के लिए भी सीरीज कुछ खास नहीं है, लास्ट के 5 मैच पे अगर आप लोग देखोगे तो 5 मैच पे फ्लॉप ही रहे हैं। मतलब आप लोगों के पास पाकिस्तान के टीम से 2 प्लेयर है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोगों के लिए बाबर आजम बनते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग के लिए शान मसूद रहते हैं। मेगा ग्रैंड लीग के लिए ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि 5 मैच में से एक ही मैच में इन्होंने इंपैक्टफुल पारी खेली है, और इंपैक्टफुल पारी कब खेली है? जब बाबर आजम जल्दी फ्लॉप हुए थे। तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए शान मसूद डिफरेंशियल एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, वरना स्मॉल लीग के लिए बाबर आजम मस्ट पिक प्लेयर होगा आप लोगों के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर भी बन सकता है। इंग्लैंड की टीम की बैटिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को एलेक्स हेल्स ओपनिंग करते हुए दिखते हैं फिलिप सॉल्ट के साथ। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं डेविड मलान, उसके बाद आप लोगों को सेकंड डाउन पोजीशन पे बेन डकेट दिखते हैं, और थर्ड डाउन पोजीशन पे आप लोगों को हैरी ब्रूक खेलते हुए दिखते हैं। डेविड मलान, एलेक्स हेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो एक मैच पे 53 रन की पारी खेली है, एक पे 26 रन की पारी खेली है, बाकी 5 रन, 1 रन और 20 रन, 64 मैच 30 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 116 का है, 50 नौ बार बना चुके हैं, सेंचुरी 1 बार बना चुके हैं, वेन्यू पे एक मैच खेला था जिसमें कि इन्होंने 1 ही रन बनाया। डेविड मिलान का ना ये वाला सीरीज कुछ खास नहीं गया है अभी तक, 7 रन 20 रन 0 14, लास्ट मैच में चलो 36 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। बेन डकेट की अगर मैं बात करूं तो बेन डकेट का सीरीज अच्छा जा रहा है, यहां पर देखो 21 रन, 43 रन, 70 रन, 33 रन और लास्ट मैच पे 10 रन, 6 मैच पे 44 का इनका एवरेज चल रहा है, वेन्यू पे एक मैच खेला है क्योंकि लास्ट मैच इसी वेन्यू पे हुआ था, यहां पर इन्होंने 10 रन बनाए। हैरी ब्रूक की अगर मैं बात करूं तो हैरी ब्रूक ने 42 31 81 34 और लास्ट मैच में फ्लॉप रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो यहां पर तो मैं बाबर आजम को लेकर चल सकता हूं, प्लस यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर ना मुझे एलेक्स हेल्स और डेविड मलान के बीच में डिफरेंशियल बनाना चाहिए, प्लस ये जो एक स्पॉट रहेगा इस स्पॉट पे आप लोगों को बेन डकेट और दूसरा आप लोगों के लिए हैरी ब्रूक, ये 2 प्लेयर के बीच में डिफरेंशियल बनाकर इस तरह आप लोगों को अपने बैटिंग वाले सेक्शन को क्रिएट करना चाहिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए। क्लियर? कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप लोग इंग्लैंड के लाइनअप से देख रहे हो तो डेविड मलान एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं, अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बट प्लेयर शानदार है, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी दिन मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोगों को एक शानदार बड़ी पारी खेलते हुए देख सकते हैं। बैटिंग वाला सेक्शन क्लियर हो गया, अब आ जाओ दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो पाकिस्तान की टीम पे आप लोगों को इफ्तिकार अहमद दिखेंगे, मोहम्मद नवाज दिखेंगे, शदाब खान दिखेंगे और आमिर जालिम दिखेंगे। इफ्तिकार अहमद की अगर मैं बात करूं तो शुरू के 3 मैच में तो इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया था, ठीक है, लास्ट के मैच में यहां भी बॉलिंग नहीं कराया था, यहां पर इनका परफॉर्मेंस चलो ठीक ठाक था क्योंकि 15 रन बनाए थे और 1 विकेट मिला था इन्हें, वरना यहां पर एक 28 रन की पारी खेली थी, यहां पर फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप ही रहे थे। 29 मैच खेले हैं, 27 का एवरेज है, सिर्फ 3 ही विकेट है, इस बात को ध्यान रखना, 50 एक बार बना चुके हैं। मोहम्मद नवाज की अगर मैं बात करूं तो इनका भी फॉर्म, यहां पर एक बार 3 विकेट मिला था, कल के मैच में भी 1 विकेट मिला हुआ है, यहां पर 1 विकेट मिला है, यहां पर 19 रन बनाए हैं, विकेटलेस गए हैं, 41 मैचेस खेले हैं, 16 का एवरेज है, 38 विकेट है इनके पास, विकेट ठीक ठाक है इनके पास। शदाब खान की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 5 मैच पे देखोगे तो हर मैच पे विकेट्स तो मिले ही है, लास्ट मैच पे 1 विकेट मिला था, 7 रन बनाए थे। बाकी आमिर जालम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये इनके T20 डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, ठीक है, 13 मैच खेले हैं, 29 का इनका एवरेज है, 15 विकेट है इनके पास। क्लियर? ओके, अब यहां से किस प्लेयर को पिक करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार यहां के भी प्लेयर देख लो इंग्लैंड के टीम से। मोइन अली की अगर मैं बात करूं तो यहां चलो 1 विकेट था, यहां 55 रन था, यहां फ्लॉप रहे थे, यहां 29 रन था, यहां 51 रन था, लगभग हर मैच में चल ही रहे हैं। सैम करन की अगर मैं बात करूं तो सैम करन को यहां पर 2 विकेट मिले थे लास्ट मैच में और 17 रन भी बनाए थे इन्होंने, बाकी 1 विकेट और 1 विकेट, मतलब इतने इंपैक्टफुल ये भी नहीं दिख रहे हैं, 25 मैच 13 का एवरेज है, 20 विकेट है इनके पास। अब कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किस प्लेयर को आप लोगों ने लेकर चलना चाहिए, ध्यान से
एक तो आप लोगों के लिए मोइंग अली इंपॉर्टेंट होते हैं पहले प्लेयर, दूसरे आप लोगों के लिए मोहम्मद नवाज इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर, तीसरे आप लोगों के लिए शदाब खान इंपॉर्टेंट रहते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर, और चौथे प्लेयर आप लोग इफ्तिकार अहमद और सैम करन के बीच में डिफरेंशियल क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक यहां से आया था, तीन यहां से आया था, चार यहां से आएंगे ना, तीन तो फिक्स है, एक जो प्लेयर है इस पे आप लोग क्या कर सकते हो, सैम करन और इफ्तिकार अहमद के बीच में डिफरेंशियल बनाकर चल सकते हो। क्लियर? बट ऑलराउंडर वाले सेक्शन को ही फोकस करना, क्यों? क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग पे ही आप लोगों को बता दिया था मैंने कि इस पिच पे रन और विकेट्स दोनों बनने वाले हैं। क्लियर? ओके, यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन के अगर कंटेंडर आप लोग मुझसे पूछते हो तो दोस्तों यहां से देखो, मोइंग अली कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर रहते हैं एक अच्छे अगर बॉलिंग कराते हैं, बट लास्ट के दो मैच से इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? यहां पर देखो तो लास्ट के दो मैच से इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया, उससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? एक मोइंग अली आप लोगों के लिए यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर रहते हैं, बाकी मोहम्मद नवाज है ना, इन्हें कभी कभी ऊपर भी प्रमोट कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मोहम्मद नवाज भी मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट सीबीसी के कंटेंडर रह सकते हैं। अब आ जाओ दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन पे। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को मोहम्मद वसीम और हरीश रॉफ खेलते हुए दिखेंगे। ओके, मोहम्मद वसीम को देखोगे तो लगभग हर मैच में एक विकेट तो इन्हें मिलता ही है, हरीश रॉफ को देखोगे तो लास्ट मैच में तीन विकेट दो विकेट डेथ पे बॉलिंग डालते हैं तो इन्हें भी विकेट्स मिलते ही है। वहीं इंग्लैंड के बॉलर्स अगर आप लोग देखोगे तो क्रिस वोक्स आप लोगों को दिखेंगे, लास्ट मैच पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे थे, ठीक है, आप लोगों को डेविड विली दिखेंगे, आदिल रशीद दिखेंगे और दिखेंगे मार्कवुड। मार्कवुड अभी के टाइम पे शानदार फॉर्म पे चल रहे हैं, दोनों मैच में इन्हें तीन तीन विकेट्स मिले हुए हैं। अब तीन बॉलर का एक ऑप्शन है तो उनमें से एक बॉलर आप लोगों के लिए मार्कवुड होना चाहिए, एक बॉलर आप लोगों के लिए हरीश रॉफ होना चाहिए। क्लियर? एक मार्कवुड को लेकर चलोगे, एक आप लोग लेकर चलोगे हरीश रॉफ को। अब देखो यहां पर दो बॉलर फिक्स हो गए, एक हम लोगों ने मार्कवुड को ले लिया, एक हम लोगों ने हरीश रॉफ को ले लिया। अब ये जो एक बॉलर है ना दोस्तों, इस बॉलर के लिए आप लोगों के पास काफी ऑप्शन है। पाकिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो आप लोग यहां पर मोहम्मद वसीम को ट्राई कर सकते हो। इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो दोस्तों यहां पर आप लोग क्रिस वोक्स को ट्राई कर सकते हो या आप लोग ट्राई कर सकते हो यहां से डेविड विली को। क्लियर? इस तरह से आप लोगों ने इस वाले पोजीशन को सेलेक्ट करना है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर, देखो पाकिस्तान की टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो एच रॉफ, हरीश रॉफ आप लोगों के लिए सीबीसी का एक अच्छा कंटेंडर बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और इंग्लैंड की टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो यहां से आप लोगों के लिए मार्कवुड भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए करंट फॉर्म को देखते हुए। क्लियर? ये आप लोगों के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर रहेंगे कल के मैच। अब दोस्तों अभी के टाइम पर जो दो डिफरेंशियल टीम मैंने बनाया है वो दो डिफरेंशियल टीम देख लो आप लोग। देखो यहां से विकेट कीपर वाले सेक्शन पे मैंने रखा है मोहम्मद रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को। यहां पर मैंने बाबर आजम के साथ डेविड मलान और हैरी ब्रूक को रखा है, यहां पर मैंने बेन डकेट और डेविड मलान के साथ बाबर आजम को रखा है। ऑलराउंडर वाला सेक्शन देखोगे तो इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, मोहम्मद नवाज और यहां पर सिर्फ सैम करन दिखेंगे। ये टीम आप लोग लेकर जा सकते हो अगर इंग्लैंड टीम क्या कर रही होगी, आप लोगों की चेस कर रही होगी। मतलब इंग्लैंड टीम क्या कर रही होगी, फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कर रही होगी। उस केस में क्या है ना, आप लोगों के जो ये है मोहम्मद अली, ठीक है, ये क्या करने आते हैं, ये मोइंग अली, मोहम्मद अली कर रहा हूं, ठीक है, मोइंग अली जो है ना वो क्या करते हैं, मोइंग अली आप लोगों को नीचे डाउन द लाइन खेलते हुए देखते हैं। क्लियर? तो अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो हो भी सकता है कि इनकी बैटिंग ना मिले, बट इफ्तिकार अहमद को बैटिंग बॉलिंग दोनों मिलता है, इसलिए इफ्तिकार अहमद यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे। अब इंग्लैंड की टीम चेस कर रही है, इसका मतलब इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करा होगा तो क्रिस वोक्स और मार्कवुड इंपॉर्टेंट होंगे यहां पर, और पाकिस्तान की टीम से यहां पर आप लोगों के लिए हरीश रॉफ इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये टीम किस कंडीशन पे लेकर जाना है, अगर आप लोगों की इंग्लैंड की टीम चेस कर रही होगी, मतलब इंग्लैंड की टीम सॉरी फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कर रही होगी या चेस कर रही होगी, जो भी आप लोग बोलते, ये टीम कब ले जाओगे, ये टीम देखो अगर
यहाँ पर पाकिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है, तो उस केस पे आप लोगों ने मोइन अली को लेकर चलना है, सैम करन को लेकर चलना है, शदाब खान को लेकर चलना है, मोहम्मद नवाज को लेकर चलना है। यहाँ पर आप लोग डेविड विली, मोइन महमूद और हरी श्रॉफ को तो लेकर चलोगे, डेविड विली को आप लोग रिप्लेस कर सकते हो मोहम्मद वसीम के साथ। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग अपने लिए टीम बना सकते हो। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन रहेंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया वीडियो पे। क्लियर? ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे ही बताया था, अगर आप लोग अपने कमीशन को कम से कम करना चाहते हो, ठीक है, कमीशन आप लोग पे करते हो किसी भी फैंटेसी ऐप पर खेलते हो, तो अगर आप लोग फैंटेसी दंगल ऐप पर खेलोगे तो यहां पर पूरे अक्टूबर के महीने पे आप लोगों को डेली कमीशन कैशबैक मिलेगा, तो यहां पर आप लोग बहुत अच्छे पैसे को सेव कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप पे खेलोगे तो मैंने आप लोगों को बताया कैशबैक का ऑफर तो है, साथ ही साथ अगर आप लोग यहां पर अच्छा डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों को डिपॉजिट कैशबैक भी मिलेगा 35,000, 10,000 और 5,000 रुपए का है। क्लियर? ओके दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो में। होपफुली आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को। होपफुली आप सभी लोग इस मैच पे शानदार परफॉर्मेंस करके आओगे। धन्यवाद दोस्तों। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेल